जीवन कोचिंग संस्थान आजमगढ़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और संविधान की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले हमने देखा था भारत में संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास पे चर्चा हो चुकी थी, कैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया, एक्ट ऑफ साइलेंस आया, 1784 का अधिनियम आया, उसके बाद कर करके हमने 1935 तक के अधिनियमों को पढ़ा था। अब जो हमारा आज का टॉपिक शुरू होगा वो मूल संविधान से शुरू होगा। तो हमारा टॉपिक जो है उसका नाम है संविधान। शब्द से पूछे, शब्द अपने आप में व्याख्या करते हैं, शब्द अपने आप में व्याख्या करते हैं। तो कैसे व्याख्या करते हैं उसे देखिएगा आप। संविधान कहता है संघ का विधान, संघ का विधान। विधान का अर्थ क्या होता है तो आप कहेंगे कानून, यानी वह कानून जिसे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है वह आपका संविधान कहलाता है। कहने का मतलब किसी देश का शासन जिन नियमों सिद्धांतों के आधार पर संचालित होता हो उसे उस देश का संविधान कहते हैं। यह एक आधारभूत कानून होता है जो उस भूखंड पर लागू होता है। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया संविधान। संविधान का शाब्दिक अर्थ होता है संघ का विधान या कानून। संविधान की यदि परिभाषा पे हम आए तो हम कहते हैं किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए कुछ नियमों और सिद्धांतों का संग्रह संविधान कहलाता है। संविधान एक आधारभूत कानून होता है जो उस देश के भूखंड पे लागू होता है। तो अब तक आपने क्या देखा, आपने संविधान को देखा, संघ का विधान यानी किसी देश की शासन, किसी देश का शासन जिन नियमों सिद्धांतों के आधार पर संचालित होता है वह उस देश का संविधान कहलाता है। वह एक आधारभूत कानून होता है जो उस देश के भूखंड पर लागू होता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि हमारा भारत का संविधान है तो वह भारत पर लागू होगा, ना कि पाकिस्तान पे, ना कि चीन पे, ना कि अमेरिका पे। यानी संविधान जी। अब हम आगे चलते हैं तो हम संविधान के अगले पॉइंट्स को देखते हैं। तो संविधान दो प्रकार का होता है, एक होता है लिखित संविधान दूसरा होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान को हम निर्मित संविधान भी कहते हैं। और अलिखित संविधान को हम विकसित संविधान कहते हैं। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको यही बताया संविधान किसे कहते हैं, संघ का विधान। किसी देश की शासन, किसी देश का शासन जिन नियमों सिद्धांतों के आधार पर संचालित होता है वह उस देश का संविधान कहलाता है। और संविधान एक आधारभूत कानून होता है जो उस देश के भूखंड पर लागू होता है। फिर हमने आपको बताया संविधान के प्रकार, तो हमने आपको बताया संविधान दो प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान को हम निर्मित संविधान भी कहते हैं, अलिखित संविधान को विकसित संविधान कहते हैं। अब लिखित संविधान क्या होता है उसे आप देख लीजिए। लिखित संविधान वह संविधान जिसके अधिकांश प्रावधान लिखे गए हों, अधिकांश प्रावधान लिखे गए हों वह संविधान जिसके अधिकांश प्रावधान लिखे गए हों और उसका निर्माण किसी संविधान सभा ने किया हो, और निर्माण संविधान सभा ने किया हो, तो ऐसे संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं। यानी लिखित संविधान या निर्मित संविधान किसे कहते हैं, वह संविधान जिसके अधिकांश प्रावधान लिखे गए हों तथा इसका निर्माण किसी संविधान सभा ने किया हो, ऐसे संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं। अलिखित संविधान या विकसित संविधान,
यदि उदाहरणों पे आए तो भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, अलिखित संविधान क्या कहता है? अलिखित संविधान या विकसित संविधान वह संविधान जिसके अधिकांश प्रावधान लिखे गए न हों, वह संविधान जिसके अधिकांश प्रावधान लिखे न गए हों और उसका निर्माण किसी संविधान सभा ने नहीं किया हो। प्रावधान लिखा न गया हो और उसका निर्माण किसी संविधान सभा ने न किया हो, ऐसे संविधान को हम अलिखित संविधान कहते हैं। और इसका उदाहरण है ब्रिटेन। तो हमने अब तक आपको क्या बताया? हमने अब तक आपको दो बातें बताई। सबसे पहली चीज संविधान आपको बताया, फिर हमने आपको बताया लिखित संविधान और अलिखित संविधान। कुछ दो तीन पॉइंट्स नोट में हैं, उसे आप लिख लीजिए क्योंकि प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, यह पूछा गया था कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था, या संविधान सभा का विचार सबसे पहले किस देश ने दिया था। ये प्रश्न पूछा गया था, अभी हाल ही में पूछा गया था मेरे हिसाब से, टीजीटी में प्रश्न पूछा गया था कि संविधान सभा का पहला विचार किसने दिया था। देखिए एग्जाम्स की एक खासियत होती है, यदि कोई एग्जाम एजेंसी किसी एक प्रश्न को बना देती है तो वो प्रश्न बार बार पूछा जाता है। संविधान सभा का सबसे विचार सबसे पहले किसने दिया था, यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। संविधान सभा का जो पहला विचार किसी देश ने दिया था तो उस देश का नाम है ब्रिटेन। और यदि व्यक्ति की बात की जाए तो व्यक्ति था हेनरी मैन। यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि संविधान सभा का पहला विचार किस देश ने दिया था। देखिए जैसे यह प्रश्न आएगा हमारे दिमाग पे अमेरिका आ जाता है, लेकिन विचार देने की जो बात है वो बात किसने कही है, तो आप कहेंगे ब्रिटेन। यदि व्यक्ति की बात कही जाए तो हेनरी मैन। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान यदि किसी ने लागू किया है तो अमेरिका। आपके नोट का दूसरा प्रश्न है विश्व का पहला लिखित संविधान यदि किसी ने लागू किया है तो अमेरिका। और दूसरी बात विश्व का सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का है। विश्व का सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का है। इसमें कुल 7 अनुच्छेद हैं। कुल 7 अनुच्छेद हैं। फिर तीसरी जो लाइन है, तीसरा जो प्रश्न है आपका, जो नोट में आप लिखेंगे वो ये लिखेंगे विश्व में पहली संविधान सभा का गठन किस देश ने किया था। विश्व में पहली संविधान सभा का गठन किसने किया था और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आप कह दीजिएगा विश्व में पहली संविधान सभा का गठन किसने किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और इसके जो अध्यक्ष थे जॉर्ज वाशिंगटन। हमने आपको नोट में 3 प्रश्न बताए। सबसे पहला हमने आपको यह बताया कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किस देश ने दिया था, तो आपने बताया ब्रिटेन। व्यक्ति की बात की जाए तो हेनरी मैन। व्यक्ति की बात की जाए तो हेनरी मैन ने दिया था। फिर विश्व का सबसे छोटा संविधान है तो वह अमेरिका का संविधान है, कुछ 7 अनुच्छेद हैं। और विश्व में पहला लिखित संविधान यदि किसी ने प्रस्तुत किया तो अमेरिका ने प्रस्तुत किया है। विश्व की पहली संविधान सभा का निर्माण कहीं हुआ तो अमेरिका में हुआ है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। अब ये तो हो गई संविधान और संविधान के प्रकार की बात। संविधान किसे कहते हैं ये बताया गया आपको, संविधान के प्रकार क्या थे वो बताया गया, संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था विश्व स्तर पर
फिर ये बताया गया कि विश्व में व्यक्ति के तौर पर किसने दिया, विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है, विश्व का सबसे लिखित संविधान सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, संविधान सभा की जो बात आई वो कहाँ पे आई, ये तो विश्व स्तर पे हो गया। अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है, अगली हेडिंग है, वो है भारत में संविधान सभा। तो जो हमारा अगला टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है भारत में संविधान सभा। क्या है भारत में संविधान सभा? भारत में संविधान सभा पर हम चर्चा करेंगे। तो यदि हम विकास के स्तर की बात की जाए तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं भारत में संविधान सभा का जो पहला दर्शन होता है वो 1895 में। भारत में संविधान सभा का पहला दर्शन जो होता है 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य विधेयक में, तिलक के स्वराज्य विधेयक में। यदि हम संविधान सभा की चर्चा कर रहे हैं तो संविधान सभा का जो पहला दर्शन होता है वो 1895 में तिलक के स्वराज्य विधेयक में मिलता है। स्वराज्य शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यदि सबसे पहले स्वराज्य शब्द यदि किसी ने इस्तेमाल किया है तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी ने किया है। कई जगह आपको स्वराज्य शब्द मिलेगा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर मिलता है कि स्वराज्य विधेयक। लेकिन यदि हम स्वराज्य की बात करें तो स्वराज्य शब्द का पहला इस्तेमाल यदि किसी ने किया है तो आर्य समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती। फिर थोड़ा सा विकास के क्रम में हम आगे चलते हैं तो 1916 एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया था। इसमें संविधान की मांग की गई थी। हमने आपको दो चीज़ें बताई भारत में संविधान सभा, पहली चीज़ बताई 1895 के तिलक के स्वराज्य विधेयक में पहली बार संविधान सभा का दर्शन होता है। फिर हमने आपको बताया 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया था, इस होम रूल आंदोलन में संविधान सभा की मांग की गई थी। फिर 1922 महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। अभी जब हम संविधान की परिभाषा आपको बता रहे थे तो हमने आपको संविधान की परिभाषा में बताया था किसी नियमों और सिद्धांतों का संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। कहने का मतलब है यदि हमारे देश का संविधान है तो वो हमारे ऊपर लागू होगा, ना कि पाकिस्तान के ऊपर लागू होगा, ना कि चीन के ऊपर लागू होगा। तो अब गांधी जी कह रहे हैं कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, यदि भारतीय बनाएंगे तो भारत की परिस्थितियों को देखते हुए बनाएंगे, लेकिन अन्य लोग बनाएंगे तो संविधान सभा की उतना अच्छा कारगर नहीं साबित होगा जितना अच्छा भारतीय बनाएंगे। फिर 1928 मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई थी, में क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई जिसमें संविधान सभा की मांग की गई थी। तो इनको हम एक बार फिर से देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले संविधान, भारत में संविधान सभा का जो पहला दर्शन होता है 1895 में तिलक के स्वराज्य विधेयक में होता है। 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया था जिसमें संविधान सभा की मांग की गई थी। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए।
1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई थी, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं, उसमें भी संविधान सभा की मांग की गई थी। अब नोट में दो तीन चीजें जाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट का पहला पॉइंट आप लिखिएगा। नोट इसलिए क्योंकि जो नोट का मतलब होता है प्रश्न कहीं पूछा जा गया है। पूछा गया था संविधान सभा की मांग सबसे पहले किस राजनीतिक पार्टी ने की थी, संविधान सभा की मांग सबसे पहले किस राजनीतिक पार्टी ने की थी, तो वो थी स्वराज पार्टी। संविधान सभा की पहली मांग स्वराज पार्टी ने किया था, और यहीं पे आप लिख लीजिएगा स्वराज पार्टी की स्थापना 10 मार्च 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। कहाँ किया था तो आप कह दीजिएगा इलाहाबाद में। संविधान सभा की पहली मांग यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने किया था तो वो स्वराज पार्टी ने किया था। कब किया था तो आप कह दीजिएगा 1934 में, ये प्रश्न आया हुआ है। अब दूसरा प्रश्न, व्यक्तिगत तौर पे संविधान सभा की मांग किसने की थी, तो मानवेंद्र राय ने किया था। मानवेंद्र राय ने किया था। पहली चीज हमने आपको क्या बताई, पहली चीज हमने नोट में ये बताया कि संविधान सभा की पहली मांग किस राजनीतिक पार्टी ने किया था, तो आप कह देगा स्वराज पार्टी ने। कब किया था, 1934 में। व्यक्तिगत तौर पर यदि किसी ने संविधान सभा की मांग की थी तो वो मानवेंद्र राय ने किया था। फिर तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है बार बार, वो ये पूछा जाता है कांग्रेस के मंच से, कांग्रेस के मंच से संविधान सभा की मांग कब हुई थी। प्रश्न था है कांग्रेस के मंच से संविधान सभा की मांग कब हुई, तो आप कह दीजिएगा 1934 में। कहाँ का अधिवेशन था तो आप कह दीजिएगा मुंबई अधिवेशन। अध्यक्ष कौन था तो आप कह दीजिएगा राजेंद्र प्रसाद। नोट में आपको तीन बातें बताई गई। सबसे पहली बात आपको ये बताई गई कि प्रश्न पूछा गया था किस राजनीतिक पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की, तो स्वराज पार्टी ने किया था। स्वराज पार्टी के बारे में कब किया था, 1934 में किया था। हमने स्वराज पार्टी के बारे में आपको बताया, इसकी स्थापना 10 मार्च 1923 को हुई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, इलाहाबाद में किया था। फिर जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि व्यक्तिगत तौर पर संविधान सभा की पहली मांग किसने की थी, तो MN राय इनका है, मानवेंद्र राय इनका नाम था, उन्होंने किया था। फिर जो तीसरा प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कांग्रेस के मंच से, कांग्रेस के मंच से संविधान सभा की मांग कब हुई, तो आप कह दिया कांग्रेस के मंच से 1934 में संविधान सभा की मांग हुई। कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन था और अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 1936 संवैधानिक विकास में हम चल रहे हैं। 1936 कांग्रेस का अधिवेशन है लखनऊ, अध्यक्ष हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हो, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हो। अब तक जो हमने पढ़ा 1895 से लेकर 1936 तक, ये मांगें की जा रही थी, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन इन मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं था। तैयार कब हुआ उसे आप देखिए। सबसे पहले 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव,
ये सारी मांगे जो मांगी जा रही थी कि भारतीयों के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाना, वाय हस्तक्षेप के बिना संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए, संविधान सभा बननी चाहिए, ये सारी मांगे की जा रही थी। लेकिन सबसे पहले यदि मांगों को माना गया तो ब्रिटिश प्रशासन ने अगस्त प्रस्ताव के द्वारा आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। ये मांगें की जा रही थी, स्वीकार कब किया गया अगस्त प्रस्ताव आया कब था, तो आप कहेंगे 1940 में अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया। लेकिन अगले को इम्पोर्टेंट करके लिखिएगा, अगला पूछा यह गया था निर्वाचित संविधान सभा की मांग किस अधिनियम द्वारा मानी गई, तो आप कह दीजिएगा एक क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन भेजकर ब्रिटिश प्रशासन ने निर्वाचित संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था। निर्वाचित संविधान सभा, क्रिप्स मिशन आया कब था, तो आप कह दीजिएगा 22 मार्च 1942। सारी मांगें की जा रही थी, संविधान सभा का दर्शन कहाँ से शुरू हुआ, संविधान सभा की मांग किसने की थी, कैसे कैसे की जा रही थी, ये सारी मांगों को माना जा रहा था, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था ब्रिटिश प्रशासन। लेकिन पहली बार अगस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग को मान लिया था। दूसरा जो पूछा गया था, वो प्रश्न पूछा गया था कि किस मिशन के द्वारा, ये किस कमीशन के द्वारा, किस आयोग के द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग को माना गया था, तो क्रिप्स मिशन आया था, उसी में भारत में पहली बार ब्रिटिश प्रशासन ने निर्वाचित संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था। यदि आपसे पूछे क्रिप्स मिशन कब आया था, तो आप बता दीजिएगा 22 मार्च 1942 को। अब एक चीज़ नोट करके आप लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है, लिखिएगा 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया, भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किसके सुझाव पर किया गया, तो आप कहिएगा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही भारत में संविधान सभा निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। अब हेडिंग डालिएगा आप, संविधान सभा का गठन, अगला टॉपिक जो है आपका वो है संविधान सभा का गठन। देखिए संविधान सभा का भारत में गठन कैसे होता है, तो आप कह देगा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है, कैबिनेट
मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन भारत आता है, इसके 3 सदस्य होते हैं। पहले पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, दूसरे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, तीसरे हैं एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, भारत में संविधान सभा के गठन की चर्चा हम कर रहे हैं, तो जो पहला प्रश्न पूछा जाता है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो आप कह देगा 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन कितने सदस्य था, तो आप कहेंगे 3 सदस्य था। कैबिनेट मिशन कितने सदस्य था, तो आप कहेंगे 3 सदस्य था। अध्यक्ष कौन था, तो आप कह देगा पैथ्रिक लॉरेंस। समझ में बात आई? कैबिनेट मिशन कितने सदस्य था, 3। कब आया, 24 मार्च 1946 को। अध्यक्ष अध्यक्ष पैथ्रिक लॉरेंस। अब सवाल ये उठता है, कैबिनेट मिशन नाम क्यों रखा गया? ये जो जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, उसी तरह ब्रिटेन की संसद के भी 2 सदन है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड है। और एक हाउस ऑफ कॉमन है। तो ये जो सदस्य आए हुए थे, ये हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर थे, और तीनों तत्कालीन इटली सरकार में तीनों मंत्री थे। तत्कालीन इटली सरकार में तीनों मंत्री थे, और इसीलिए इस मिशन का नाम क्या रखा गया था, कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन आया क्यों, आया था, अगर आपसे कोई पूछे क्यों आया था, तो आप कह दीजिएगा भारत में संवैधानिक समस्याओं के निराकरण के लिए। क्यों आया, संवैधानिक समस्याओं के निराकरण के लिए, संवैधानिक समस्याओं के निराकरण के लिए। अब इसने सुझाव कब दिया, 16 मई को। आदेश और निर्देश में ही अंतर होता है, आदेश में बाध्यता होती है, निर्देश में बाध्यता नहीं होती है। सुझाव क्या दिया था, दो महत्वपूर्ण सुझाव इसके थे जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। पहला सुझाव इसने दिया था कि संविधान सभा का जो गठन किया जाए, संविधान सभा का जो गठन किया जाए वो प्रत्यक्ष रूप से हो। संविधान सभा के सदस्यों का जो गठन किया जाए वो प्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन इसे नहीं मानकर इसे किया गया अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरी बात उसने जो महत्वपूर्ण कही थी, वो ये कही थी कि 10 लाख की आबादी पर, 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य आएगा। तो हमने आपको कैबिनेट मिशन बताया, संविधान भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हो रहा है इसको हमने आपको बताया। तो सबसे पहले हमने आपको बताया 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, यह कितने सदस्य था, तो आप कहेंगे 3 सदस्य था। अध्यक्ष कौन थे, तो आप कह देगा पैथ्रिक लॉरेंस थे। अन्य सदस्य कौन थे, तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। आया क्यों था, आया इसलिए था कि भारत में संवैधानिक समस्याओं का निराकरण किया जाए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सुझाव इसने क्या क्या दिए, तो बहुत सारे सुझाव दिए थे जिसमें से 2 महत्वपूर्ण है। उसने कहा था कि संविधान सभा का जो निर्माण किया जाए वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाए, लेकिन इसे नहीं माना गया, इसे अप्रत्यक्ष द्वारा चुना लिया गया। कहा था कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य आएगा, 10 लाख की आबादी पर यह एक सदस्य आएगा, यही महत्वपूर्ण है आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं,
अब हम चर्चा करेंगे उस पॉइंट पे, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान सभा में सदस्यों की बात अब हम कर लें। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो आप कह दीजिएगा संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे। ये आए कहाँ कहाँ से, तो तीन जगहों से आए थे, 292, 93 और 4। 389 सदस्य आए थे, ये कहाँ से थे, तो आप कह दीजिएगा ब्रिटिश भारतीय प्रांत। ब्रिटिश भारतीय प्रांत ये क्या था, ऐसे प्रांत। देखिए लॉर्ड डलहौजी के शासन के बाद कोई प्रांतों में कोई वृद्धि नहीं की गई, क्योंकि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है। और मैंने आपको महारानी का विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ाया था, जिसमें एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अब हम विस्तार की नीति को छोड़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ देसी राजाओं से ये उम्मीद रखते हैं कि वो भी सीमित मात्रा में सेना रखेंगे और किसी विदेशी सत्ता के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। ये ब्रिटिश भारतीय प्रांत वो प्रांत थे जहाँ पर ब्रिटिश की पूरी हुकूमत चलती थी, और इन प्रांतों की संख्या 11 थी, कहीं कहीं 9 भी लिखा है, लेकिन 11 थी। अब 93 कौन से थे, तो आपके 93 सदस्य देशी रियासतों से आए थे। देशी रियासतें क्या है और कैसे इनका भारतीय संघ में विलय हुआ, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे ये टॉपिक समाप्त होने के बाद। 4 जो थे वो कमिश्नरी प्रांत से आए थे। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप कह देगा 389 थी, जिसमें से 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश भारतीय प्रांत से आए थे। फिर 93 सदस्यों की यदि हम बात करें तो ये देसी रियासतों से आए थे। 4 जो थे वो कमिश्नरी प्रांतों से आए थे। अब थोड़ा सा दलगत स्थिति की बात कर ले हम, कि दलीय स्थिति क्या थी संविधान सभा में, संविधान सभा के सदस्यों में दलीय स्थिति क्या थी, वह प्रश्न एक बार पूछा गया है, इसीलिए आप जान लीजिए, इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। बात क्या थी संविधान सभा में कुल सदस्यों की, तो 389 थे, 292 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से आए थे, भारतीय प्रांतों की संख्या कहीं 11 लिखी गई है, कहीं 9 लिखी गई है, 11 आप मान के चलिएगा आप। फिर उसके बाद 93 सदस्य देशी रियासतों से आए थे, 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांतों से थे। अब दलों की बात किया, दलीय स्थिति क्या थी संविधान सभा में, दलीय स्थिति क्या थी उसके बारे में। मतलब दलीय स्थिति का मतलब यह है कि संविधान सभा में किस दल से कितने सदस्य आए थे, तो सबसे पहला और बड़ा नाम था कांग्रेस का। देखिए चूंकि इतिहास का टॉपिक है, अभी संविधान चल रहा है, जब कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया था आपका चुनाव के लिए, तो उस आधार पर 16 मई को इसने सुझाव दिया था, और जुलाई और अगस्त का महीना लेकर एक चुनाव हुआ था। उस चुनाव में संविधान सभा का निर्माण किया गया था, और निर्माण करने के बाद सदस्यों की संख्या जो निकल के आई थी वो ये लोग संविधान सभा में सदस्य बने थे। जब मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा तो उस टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। अभी कांग्रेस के कितने सदस्य संविधान सभा में आए थे, तो आप कह देगा 208। अब बात आती है मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग से कितने लोग आए थे, तो आप कह देगा 73। महिलाओं की संख्या कितनी थी, महिलाओं की संख्या 15 थी।
और SC शेड्यूल कास्ट, SC की संख्या कितनी थी तो आप कह देगा 33 थी। फिर यदि हम निर्दलीय की बात की जाए, निर्दल का मतलब होता है जो किसी दल से संबंधित न हो, तो यदि निर्दलियों की बात करें हम तो निर्दलियों की संख्या 8 थी। और छोटे छोटे कई राजनीतिक दल थे, कोई एक सीट, कोई दो सीट, कोई तीन सीट लेके आया था, कुल 389 सदस्य संविधान सभा में थे। दो चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं महत्वपूर्ण। पहली चीज़ पूछी जाती है संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, आप कह दीजिएगा 15 थी। तो मुस्लिम महिला कौन थी, तो मुस्लिम महिला का नाम बेगम हयाज रसूल था, बेगम अयाज, बेगम अयाज रसूल। और बेगम रयाज वसूल रसूल था। जैसे ये दलीय स्थिति के बारे में हमने चर्चा की, फिर हमने पूछा महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। फिर बात आती है कि इसमें मुस्लिम महिला कौन थी, तो बेगम अयाज रसूल। फिर SC महिला की बात आती है, शेड्यूल कास्ट महिला की बात आती है, तो उनका नाम था दक्षयामी वेलुयुधान, दक्षयामी वेलुयुधान, ये SC महिला थी। महिलाओं की टोटल संख्या कितनी थी, तो आप कह दीजिएगा 15 थी। बेगम अयाज रसूल मुस्लिम महिला थी, दक्षयामी वेलुयुधान जो थी वो 80 महिला थी। अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं हम दलीय स्थिति के बाद। देखिए संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा का जो केंद्र बिंदु थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो सलाहकार थे वो BP मेनन और KM मुंशी। संविधान सभा जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो निर्माण के क्रम में जो केंद्र बिंदु थे वो दो ही लोग थे, एक थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल दूसरे व्यक्ति थे पंडित नेहरू। प्रश्न पूछा गया था इनके सलाहकार कौन थे, तो सलाहकार थे इनके KM मुंशी और BP मेनन, इनके कृष्णाचारी अय्यर। प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, प्रश्न ये पूछा गया था कि संविधान सभा में संविधान निर्माण के दौरान केंद्र बिंदु कौन थे, तो केंद्र बिंदु थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर उसने पूछा सरदार, इनके बारे में पूछा गया था, पंडित नेहरू के सलाहकार कौन थे, तो आप कहते कृष्णाचारी अय्यर थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के सलाहकार BP मेनन और KM मुंशी थे। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ वक्तव्य है जो संविधान सभा के बारे में कहा गया था। एक सेंट साइमन था, आप साइमन कमीशन जानते ही होंगे, साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया था। सेंट साइमन ने कहा था, क्या कहा था संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा के बारे में कहा था यह हिंदुओं का समूह है, मतलब संविधान सभा जो है वो हिंदुओं की सभा है। संविधान सभा किसकी सभा है, तो उसने कहा था हिंदुओं की सभा। संविधान सभा किसकी सभा है, तो हिंदुओं की सभा। फिर लेकिन
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब संविधान सभा को देखा तो उसने कहा यह राष्ट्र का दर्पण है। संविधान सभा राष्ट्र का दर्पण है। ऐसा क्यों कहा राष्ट्र का दर्पण है? क्योंकि जब संविधान सभा के सारे सदस्य बैठे थे तो कोई हिंदू था, कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था, वो एक जगह आके बैठे हुए थे। तो इसे देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को जो कहा था वो कहा था कि ये राष्ट्र का दर्पण है। लेकिन सेंट साइमन साइमन जिन्होंने कहा था कि ये हिंदुओं की सभा है। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की बैठकों की। अगला हमारा जो टॉपिक है वो संविधान सभा की बैठक। देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को और वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। छः जनवरी 2019 को एक परीक्षा हुई थी सुपर टेट की, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था और पूछने का तरीका बस चेंज था। उसने ये पूछा था कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था। प्रश्न ये था कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था, ना उसने स्थाई डाला था ना अस्थाई डाला था। तो संविधान सभा की जब पहली बैठक हो रही है 9 दिसंबर 1946 को तो उसमें वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? स्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष। लेकिन सिन्हा साहब पहले व्यक्ति थे जो संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। बहुत लोगों ने कहा इसने अस्थाई नहीं लिखा, अस्थाई लिखा, ये लिखा, वो लिखा, ये चर्चा का विषय नहीं था। उसने एग्जैक्ट पूछा था और बाद में इसे सही भी माना गया और ये सही है भी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। यदि वो पूछता संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब वहाँ पे आप इनका नाम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लिखते। लेकिन उसने ये सब चीज़ें नहीं पूछी थी। उसने सीधे सीधे पूछा था कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर 11 दिसंबर संविधान सभा की जो अगली बैठक होती है वो 11 दिसंबर सॉरी 1946 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है। अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है। 9 दिसंबर को बैठक हुई, 11 दिसंबर को बैठक हुई, फिर 13 दिसंबर 1946 ये डेट आप लोग याद रखिएगा। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को रखा था। यह प्रस्तावना 22 जनवरी 1947 को पास हुई थी, जिसमें कहा गया था एक संविधान देने वाला। क्या कहा गया था? एक संविधान देने वाला। ये तो सीधी सीधी बात हो गई। अब टेक्निकल मामला आप देखिए, यदि प्रश्न पूछा भी गया और पूछा भी जाएगा कि भारत में संविधान सभा का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ,
सॉरी भारत में संविधान का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? आपके दिखा 13 दिसंबर 1946। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना, एक प्रस्ताव रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें कहा गया था कि एक संविधान देने वाला प्रस्ताव, और इसी प्रस्ताव के रूप में कब पास हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। और संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी, ये बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक में ना तो मुस्लिम लीग ने भाग लिया था और ना ही देसी रियासतों ने। मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया था। पहली चीज। दूसरी बात, टीपी सप्रू और जयप्रकाश नारायण, इन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में उस आवेदन को कभी स्वीकार नहीं किया था कि यह संविधान सभा का हिस्सा बने। तो आपको दो तीन चीज़ें बताई गई, फिर से एक बार रिवीजन हम करवा दें, फिर अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। हमने आपको बताया संविधान सभा की बैठकें, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर अगली बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को रखा, और ये प्रस्तावना 22 जनवरी 1947 को एक संविधान देने वाले प्रस्ताव के रूप में पास हो गई। फिर उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में संविधान का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ, तो वो निर्माण कार्य कब से प्रारंभ हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। आप देखेंगे इसमें कॉमन क्लू है, कॉमन क्लू का मतलब इसके बीच में 2 का गैप है और इसके बीच में भी 2 का गैप है, और ये प्रस्ताव कब पारित होता है? 22 जनवरी को। यानी ये दोनों 2 ला के आपको यहाँ पर रख देना है। 9 से 11 के बीच में 2 का अंतर है, 11 से 13 के बीच में 2 का अंतर है। और फिर हमने आपको क्या बताया? हमने आपको ये बताया कि संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया था। देखिए, मुस्लिम लीग का अपना अलग एजेंडा था। वो शुरू से ही, कभी मैं आपको मुस्लिम लीग पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, शुरू से ही 30 दिसंबर 1906 जब से इसकी स्थापना हुई तब से लगाकर जब तक इसका अस्तित्व था 1936-37 तक, जब तक आम चुनाव नहीं हुए थे तब तक तो मुस्लिम लीग ठीक थी, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग की स्थिति बड़ी ख़राब हुई। और देसी रियासतें ये चाहती थी कि हमें हमेशा की तरह स्वतंत्र रखा जाए। और अगली हेडिंग डाल के आप छोड़ दीजिएगा, संविधान निर्माण की समस्याओं हेतु विभिन्न समितियां। धन्यवाद।